हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम लोग परचेज किए हैं जो बाज़ार से गोभी का पौधा, और लिए थाली में डाई और पोटास। अगर आपको 70 पौधा लगाना है, 70 पौधा लगाना है गोभी को, तो कम से 1 kg डाई ले लेंगे और आधा kg पोटास, दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद, चलिए मिक्स कर लेते हैं हम। मिक्स करने के बाद जब हम पौधे को गड्ढा खनते हैं, खनने के बाद इसको कम से कम थोड़ा सा लेकर हाथ में गड्ढे में डाल देने के बाद फिर हम इस पौधे को लगाते हैं। अब फिर पौधे को लगाने के बाद हम अगर पौधे से पौधे के बीच की कतार की दूरी सेम होनी चाहिए। अगर कुछ दूरी और अधिक कर लेंगे तो और बेनिफिट होगा आपको, पौधा और जगह लेकर और बड़ा इसमें फूल प्राप्त होगा गोभी के पौधे में। अगर गोभी का पौधा देखिए इस समय आप परचेज कर सकते हैं, मार्केट में आ चुका है। चलिए हम गड्ढा देखिए, वहाँ पर उधर गड्ढा खन चुके हैं। चलिए इस गड्ढे में अब पोटास और डाई जो मिक्स किए हैं हम उसको देते हैं। थोड़ा थोड़ा ले लेंगे और गड्ढे में हल्का हल्का गिरा देंगे। गिराने का देखिए किसी गड्ढा में अधिक ना हो, हिसाब से थोड़ा थोड़ा हम लेकर गड्ढे में गिरा देंगे। चलिए हमारा कंप्लीट हो गया। अब पौधे की बात आती है। चलिए पौधे को हम देखिए, हम लिए हैं गोभी का पौधा है जो ये फूल गोभी का है। नर्सरी में लगाया गया था तो नर्सरी नहीं लगाए थे, मार्केट से परचेज किए हैं। आप भी अगर खाने पीने के लिए लगाना चाहते हैं तो मार्केट में जाकर परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के बाद इसे हम घर पर ला कर बो सकते हैं। देखिए हम लोग लाए हैं। अब चलिए इसको हम लगाने की बात आती है, तो चलिए एक पौधा ले लेंगे और एक गड्ढा में एक ही पौधा लगाएंगे। ले पौधा बीच में रख कर और अगल बगल से मिट्टी को लगा लेंगे और हल्का सा इसे दबा कर रिफ्रेश, मतलब हल्का सा दबा देंगे। अब चलिए एक पौधा लग गया हमारा, अब दूसरा पौधा लगाते हैं। अब पौधे और पौधे के बीच की कतार देख लेंगे। अगर इससे अधिक करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, मतलब इससे हल्का सा और नज़दीक रह सकता है। चलिए अब इस गड्ढे में हम लगाते हैं और इसको रोपने के बाद आप भूलिएगा मत, इसे पानी प्लीज दे दीजिएगा। बहुत लोग करते हैं, क्या करते हैं, एक गड्ढे में दो दो पौधा लगा देते हैं, वही गलती करते हैं और बोनते समय डाई वही का मतलब प्रयोग नहीं करते हैं। बहुत उन लोग की गलत भूल होती है। अगर आप इसे परचेज कर आप ला कर घर पर बोइएगा, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पौधे को लाकर पहले गड्ढा उड्ढा खन कर और डाई और पोटास बहुत आवश्यक होगा। चलिए देखिए हमारा कंप्लीट ही होने वाला है, बने रहिएगा मेरे वीडियो में।